की बात नारी की में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। आइए अब हम शुरुआत करते हैं महिलाओं के इस खास कार्यक्रम की, जहां मैं लाती हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए जानते हैं क्या है खास हमारी आज की पेशकश में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जानेंगे करियर में आए नए विकल्पों के बारे में, देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट, जानेंगे क्या खास कर रही है आधी आबादी और महिलाओं से जुड़ी खबरें देखेंगे अपनी खास पेशकश में। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ और जानते हैं क्या खास कर रही हैं हमारे देश की महिलाएं। आज तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी ने हमारे देश की डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभाई है। दिनों दिन होते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बदौलत आज देश में सिविल इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ रही है। हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों ने भी इस फील्ड को एक नई राह दी है। यही वजह है लड़कियां इसको एज अ करियर ऑप्ट कर रही है। सो मेनी एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज व्हिच हैव कम ओनली बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर, सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। If IIT didn't hadn't come in our country, then there wouldn't have been so many job opportunities which we have right now. So I think engineering is a very good platform for us to make our country progress. कोई भी construction करनी है, building, roads, bridges, सारा construction work ही civil engineers की वजह से आता है और जो भी development होती है ये सारे civil engineers ही तो करते हैं। India is a developed country, तो मतलब जितना ज़्यादा हम खुद से develop करेंगे, जितना अच्छा मतलब हम और ज़्यादा नए instruments और ये सब करेंगे तो उतना ज़्यादा ही अच्छा हमारा इंडिया मतलब और ज़्यादा डेवलप होगा। इंजीनियरिंग में गर्ल्स का काफ़ी अच्छा स्कोप है बिकॉज इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT ECVC अ लॉट ऑफ गर्ल्स परस्यूइंग अ वेरी गुड जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी। सोसाइटी में चेंज आ रहा है और लड़कियां किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, सो सिविल इंजीनियरिंग में भी देर इज़ अ स्कोप। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में हर जगह पे बनाया जा रहा है तो सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड ना तो कभी पहले कम हुई है और ना ही आगे होगी। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के चलते आज फील्ड में कॉम्पिटिशन भी काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में ये लड़कियां आगे बढ़ सके इसके लिए इन्हें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न टेक्निक्स और हाईटेक लैब्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही रिसर्च वर्क और नैनो टेक्नोलॉजी जैसी इम्पोर्टेंट फील्ड के बारे में बताकर बनाया जा रहा है इन्हें ग्लोबल प्रोफेशनल, ताकि ये स्टूडेंट्स फील्ड में मिलने वाली हर चुनौती को एक्सेप्ट कर सके। आने वाला फील्ड इट इज अ फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, तो बच्चों को पता होना चाहिए व्हाट आर नैनो मटेरियल्स, कैसे हम नैनो मटेरियल्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए हमारे पास, कैसे हम अगर हमें पार्टिकल चाहिए, क्वांटम डॉट्स चाहिए, वायर्स चाहिए तो कैसे हम उनको मतलब ये बना सकते हैं। इंजीनियरिंग हमेशा ही किसी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, विकास पीस टाइम एंड इवन अदरवाइज। आज के दिन भी जो हमारी प्रोजेक्शन है, आने वाले सालों में हमें बहुत इंजीनियर्स चाहिए। मार्केट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, दे आर गेटिंग गुड जॉब्स इन द मार्केट, अदर्स आर ऑल्सो गेटिंग दोज जॉब्स। तो रिसर्च के बगैर किसी भी तरह की पढ़ाई अधूरी है। रिसर्च के बगैर जो हम डायनेमिज्म पढ़ाई में लाते हैं वो नहीं रहता। नॉट ओनली रिसर्च, रिसर्च थ्रू कंसल्टेंसी ऑल्सो। हमारे डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हैं जो कंसल्टेंसी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ ए रिसर्च। द रिसर्च लैब वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्वालिटी वेयर इट कैन बी यूज एंड फर्दर हाउ इट कैन बी मॉडिफाइड फॉर अदर एप्लीकेशंस ऑल्सो इन आर न्यू फ्यूचर। So no doubt students as well as the industries everywhere because it is a part of polymers are part of everything. So they will be used everywhere. India ki jo development hai wo puri hamare engineers pe depend karti hai. So I think the country should have is really in demand of a lot of engineers and you know everyone should go into this field because there are a lot of opportunities everybody. Iske alawa industrial visit ke zariye inhe practical exposure bhi diya jata hai. Saath hi kai seminars, co-curricular activities aur sports jaise events ke जरिए इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी ग्रूम किया जाता है, जिससे जब ये कॉर्पोरेट जगत में जाएं तो अपनी मेहनत और लगन से एक नया मुकाम हासिल कर सके। आने वाले टाइम में इंजीनियरिंग का काफी स्कोप है। एक अच्छे इंजीनियर के लिए उसको सॉफ्ट स्किल जो है काफी डेवलप करने चाहिए, जैसे उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी जो है डेवलपमेंट के लिए जो उसको टेक्निकल सब्जेक्ट्स की नॉलेज है या जनरल सब्जेक्ट्स की नॉलेज है वो काफ़ी होनी चाहिए। हर स्टूडेंट को फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट होना चाहिए, इसलिए सेमिनार्स, कल्चरल प्रोग्राम, फाइन आर्ट प्रोग्राम्स ये सारे करवाते रहते हैं। और अगर एक स्टूडेंट सोशली एंड फिजिकली फिट है तो मेंटली वो फिट रहेगा। लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है।
हमें बहुत एक्सपोजर मिलता है बाहर जाके, हम 10 लोगों से नहीं बात करते हैं। और मुझे लगता है लड़कियों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए स्पोर्ट्स, मतलब कि कंपल्शन होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल विजिट बहुत ज़रूरी है हमारी प्लेसमेंट्स के लिए, इससे हमें फ़ायदा होगा कि आगे हमारे इंटरव्यूज़ होने हैं। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कल्चरल एक्टिविटीज़ का होना और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। जितना ब्रेन एक मैन के पास है उतना ही एक वुमन के पास है। अगर हम आधी पॉपुलेशन का अगर हम ब्रेन को इग्नोर करते रहेंगे, उसको हम डेवलप करने की बात नहीं करेंगे और उसको हम आगे नहीं लेकर जाएंगे, तो हम यानी कि हम सिर्फ आधे ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं, तो आधे ब्रेन के साथ तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंट्री डेवलप कर सकता है। खैर, इतना तो साफ है आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी में नए बदलाव आएंगे और उनमें भी करियर के तमाम ऑप्शन खुलेंगे, लेकिन उनमें वही स्टूडेंट्स अपनी जगह बना पाएंगे जो हर चीज में परफेक्ट होंगे। ऐसे में इन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हिसाब से तैयार कर रहे ये संस्थान इनके फ्यूचर को तो नई दिशा दे रहे हैं, साथ ही देश की आधी आबादी को भी सशक्त कर रहे हैं।